नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आरआरबी पीयू मेंस इंटरव्यू कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो आउट हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स आउट हुए हैं जिन जिनका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के मार्क्स जो है आपको जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 1 तारीख को, 1 जनवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उस टाइम आपके जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस मेंस के मार्क्स जुड़ के आपके शो हो जाएंगे। तो आज जो मार्क्स हुए हैं वो इंटरव्यू कैंडिडेट के हैं। और अब बात आती कि सर कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा है चांसेस फॉर फाइनल सिलेक्शन, तो क्या चांसेस रहने वाले हैं फाइनल सिलेक्शन के अगर कट ऑफ से 2-3 नंबर भी ज़्यादा है? तो इसके 3-4 फैक्टर है जो अपने डिस्कस करेंगे, पर टोटली ये कहना मुश्किल होगा कि किन किन का सिलेक्शन होगा किन का नहीं होगा। अगर कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा है तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो टोटली अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी इसमें रहने वाली है। तो इसके लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मार्क्स जो है ये गुजरात कैंडिडेट के, ओबीसी कैंडिडेट गुजरात के है। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स जो है कट ऑफ जो है वो 55 और मार्क्स जो है वो 76 है। 76 मार्क्स आए हैं और कट ऑफ जो है 55 नंबर है। तो गुजरात कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो सबसे जो ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम थी, इस बार 55 नंबर कट ऑफ है, बहुत कम कट ऑफ थी। पर इसके अलावा जो यहाँ पे मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो बहुत ज़्यादा है। अब ओबीसी कैटेगरी अगर बात की जाए या जनरल कैटेगरी की बात करें तो 80 प्लस मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट के हैं, 70 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट के हैं, 60 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट के, यानी 55 नंबर एक कट ऑफ बहुत मिनिमम सा कट ऑफ है, इससे ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स है। अब इन्होंने पता नहीं कितने टाइम इनको पास किया है, ये अब उन पर डिपेंड है कि इन्होंने कितने टाइम इसको लिए है, कितने टाइम लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, वो उन पर डिपेंड है। पर 55 कट ऑफ देखते हुए जितने हमने स्कोर कार्ड्स यहाँ पे देखे हैं गुजरात कैंडिडेट्स के, तो बहुत सारे लोगों के नंबर जो है वो 100 के अप्रोच में है, यानी 90 to 100 के बीच में है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये कहना कि किनका सिलेक्शन होगा या किनका नहीं होगा। पर टोटली जो डिपेंड करेगा वो अपने आगे और देख लें स्कोर कार्ड्स। इसके साथ देखिए कैंडिडेट्स, ये राजस्थान जनरल कैटेगरी के मार्क्स है तो यहाँ पे 92.81 मार्क्स है और यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 88 है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो मार्क्स है 4 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। और यहाँ पे अगर गुजरात कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे 55 नंबर से 76 नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर है कट ऑफ से, फिर भी यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पास किए गए हैं। तो अपने इस पर डिस्कस करेंगे भूली। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 या 3 फैक्टर ये होते हैं कि या तो आपके कट ऑफ से मार्क्स 4 या 5 मार्क्स ज़्यादा हो। तो लास्ट ईयर का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है कि इनके कट ऑफ से 2 या 3 मार्क्स ज़्यादा थे फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सिलेक्शन किस बेस पे हुआ है? उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, 2 या 3 नंबर ऊपर होने के बावजूद कट ऑफ के उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर का सिनेरियो देखा जाए तो 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स 15 to 20 20 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर थे पर उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे कि इंटरव्यू के अंदर आपको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये टोटली ऑन डिपेंड होगा आपका इंटरव्यू किस तरह से निकला है। तो वो आपका इंटरव्यू अगर एवरेज निकला है, मीडियम निकला है, बहुत अच्छा निकला है, तो उस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये नहीं है कि 2 या 3 नंबर ज़्यादा है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। वो ये सोच के बैठे हैं कि हम तो पहले से बाहर हो चुके हैं क्योंकि लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा है। पर ये भी तो देखिए ना, अगर लोगों के 15 नंबर ज़्यादा है और उनका इंटरव्यू बहुत ख़राब निकला है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और जिनके 2 या 3 नंबर है कट ऑफ से ऊपर और उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा निकला है या होम स्टडी इंटरव्यू है जिनका, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का और वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे और फाइनल सिलेक्शन उनका होगा। तो ये टोटली डिपेंड है। अब बिना फाइनल रिजल्ट के कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका हो जाएगा। तो ये कहना टोटली गलत होगा क्योंकि अभी देखिए 2 या 3 नंबर ज़्यादा, इंटरव्यू बहुत अच्छा है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आपके नंबर 20 ज़्यादा है, आपका इंटरव्यू बहुत बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी का इंटरव्यू निकला है, तो उसमें फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये श्योर है। तो ये लास्ट ईयर के जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, लास्ट ईयर जो रिजल्ट आए हैं उनमें देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, फिर भी वो इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं निकला और वो फाइनल सिलेक्शन से चूक गए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 3 या 4 मार्क्स ज़्यादा थे, इनका इंटरव्यू अच्छा निकला तो वो फाइनल सिलेक्शन लगे। तो ये टोटली डिपेंड रहता है कि आपका इंटरव्यू कैसे निकला है और फाइनल जो मेंस के मार्क्स है वो क्या है। तो यही स्टूडेंट इस कहना था कि 2 या 3 नंबर ज़्यादा है तो आपको अपने होप नहीं छोड़नी है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा अभी से, अब बार बार आप टेंशन में आ रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपका सिलेक्शन हो सकता है, 100% हो सकता है। अगर आप किसी का LIC असिस्टेंट मैन का एग्जाम है तो अच्छे से देखिए आइए, इसी का IBPS क्लरिकल मैंस का एग्जामिनेशन है वो भी आप अच्छे से देखिए आइए, जिनका भी हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए उस एग्जाम की, उसका रिजल्ट आएगा आपका 1 अप्रैल को। और RRB भी, और RRB क्लरिकल का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको 1 जनवरी को देखने को मिलेगा 2020 को, और IBPS भी और IBPS क्लरिकल का 1 अप्रैल 2020 को रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, आपके
जितने भी नंबर आए हैं कट ऑफ से ऊपर, तो वो आप जरूर शेयर कीजिए अपनी कैटेगरी और स्टेट के साथ कमेंट में। पहले वाले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ने शेयर किया, तो उनके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप और मार्क्स शेयर कीजिए, तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स से इसे हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।